बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है, क्या मुसलमान मुगलों की संतान है? और अगर हैं तो संतान जैसा व्यवहार क्यों नहीं है? साथियों, दोस्तों, देशवासियों, दलित, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू, आदिवासी, सिख, जैन, ईसाई, सभी भारतवासियों के सामने एक सवाल है। हमारे भारत देश की रीति रिवाज और संविधान और कानून के मुताबिक जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसका सब कुछ उनके वारिसदारों का हो जाता है। पुरखों की जमीन जायदाद, सोना चांदी, पैसा, जो भी होता है वो सब कुछ उनके वारिसों को मिल जाता है। पुरखों के बुरे काम का बुरा नतीजा भी उनकी अगली पीढ़ी को मिलता है और पुरखों के अच्छे काम का अच्छा नतीजा उनकी अगली पीढ़ी को मिलता है। देश के कुछ संगठन के लोग मुगल बादशाहों को मुसलमानों के पुरखे मानते हैं और सारे मुसलमानों को मुगलों की औलाद के नाम से गाली देते हैं। मुसलमान अगर मुगलों की औलाद हैं तो उनकी छोड़ी हुई जमीन जायदाद और मालो मत्ता को के वो वारिस होते हैं और उनके वारिस होने चाहिए। हजारों इमारतें, जमीन और जायदाद मुगलों की बनाई हुई हैं और उस पर भारत सरकार ने कब्जा कर रखा। देशवासियों, क्या मुसलमान गाली खाने के लिए मुगलों के वारिस हैं और जमीन जायदाद के वारिस नहीं हैं? देशवासियों, अगर मुसलमान गाली खाने के लिए मुगलों के वारिस हैं तो उनकी छोड़ी हुई संपत्ति के भी वारिस होना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे।